अखिलेश यादव के साथ क्या दिखा? मैं नहीं अखिलेश यादव तो ऐसे ही पलटा लेके चल रहे हैं रोड पर, यादव तो खुद ही पलटा लेके फैला रहे के चल रहे हैं, पूरे बल्टा लेके चल रहे हैं सड़क पर। जब सरकार हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी? बताओ, अभी से ही शुरुआत कर दी, अभी अभी चालू कर दिया है। कहाँ दिखा दे, कहाँ देखा? अभी दिखाइए, आप चलिए हमारे साथ, हम दिखाएं। अच्छा, मतलब शुरुआत कर दी उन्होंने, हल्ला बोल मलांग बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब गुंडा राज चालू गया, बहन जी के शासन में ऐसा नहीं हुआ, बहन जी के शासन में ऐसा नहीं हुआ है। बहन जी तो नाली को तो ऐसे लाते से मार के फेंक दी है, मौके पर जा करके वीडियो को पंचायत को सबको सस्पेंड की है। इनके सरकार में क्या हुआ, या मोदी के सरकार में क्या हुआ, या अखिलेश के सरकार में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो नहीं कर रहा पार्टी छोड़ो। कुछ नहीं, नहीं नहीं, ये गलत है, ये भ्रमी है, वो तो ढोंगी बना रहे हैं हम लोग को। अरे तो बहन जी के अंदर सच्चाई है, राजा भैया से पंगा बहन कुमारी में आया, कोई नहीं लेने वाला ही है। जेल मंत्री बना दो, कुंडा में कुंडी लगा दी थी, बहन जी लगा दी, आपकी सरकार आएगी। ये तो कुंडी लगाने का अखिलेश जी बात की है ना, राजा अगर अखिलेश अगर मायावती की बात सरकार आई, बहन जी की सरकार आई तो उनसे फिर देंगे, उस तरह से फिर निपटने का काम करेंगे। ये तो कुंडा कुंडी बंद करे, ये बहन जी की बात नहीं है कि किसी को गुंडा ही से गुंडा, कानूनी तौर पर उनका जो है कार्यक्रम होगा गुंडा की छाती पर। बहन कुमारी दावा कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पर्याप्त जो है ओबीसी वोट तो हमारे साथ है ही है, पर्याप्त जो एससी वोट है वो भी हमारे साथ है। कहने को तो सब है सर, कहने से कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मायावती के साथ सभी सभी जात के लोग, निचले उचले क्रम के लोग, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, सब लोग मिल के बहन जी को जिताने का काम इस बार करेंगे, क्योंकि सब लोग दबे हैं इन लोग सरकार से। भाजपा के लोग गुंडागर्दी इतना कर दिए हैं, खेतों में सांड चल रहे हैं, गुंडे गुंडे मोहल्ले लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो बहन जी यहाँ भाषण दे के जाएंगे, जो आश्वासन दे के जाएंगे, क्या लगता है वो अपने बहन जी के सरकार में शासन प्रशासन शासन प्रशासन सब हिसाब से हो जाता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। हमारी पार्टी को, हमारा नाम विवेक मोदी है, हम गाजीपुर, हाँ गाजीपुर से। आप लोग मीडिया वाले हैं, हम लोगों को धूमिकरण मीडिया कर रही है, न टीवी पर न पेपर में मीडिया नहीं दिखा रही है। अगर हम लोगों को मीडिया दिखाती तो हम लोग किसी से पीछे नहीं रहते हैं। भैया हमका धूम में फिर ऐसे ही करा रहे हैं। हाँ, मीडिया दिखाऊं सर, सुन लीजिए सर, एक मिनट हमारा बात सुन लीजिए। पूरी पूरी यूपी में अगर बहन जी इतना बड़ा अगर रैली कोई कर देगा, मुलायम सिंह या अखिलेश या मोदी या योगी, तो हम जो कहेंगे वो हार जाएंगे। हाँ, कल सुनिए, हम गाजीपुर से आए हैं, कल मोदी जी का रैली था गाजीपुर में आईटीआई कॉलेज में। सुन लीजिए, ये मेन मेन न्यूज बनाना, 20,000 लोग खाली थे, 20,000 ऐसा है भैया, आप देख लीजिए। गाजीपुर का समीकरण सुन लीजिए, गाजीपुर में 7 सीट है, एक जगह परवेज खान है जमानिया से, जहूराबाद से सद्दा फातिमा है, जखिनिया से विजय कुमार है, जंगीपुर से मुकेश सिंह है, गाजीपुर से एक राजकुमार गौतम है, और सैदपुर से विनोद है। हम 5 सीट पर नंबर 1 पर इस समय चल रहे हैं। जमानिया का समीकरण आपको बता रहे हैं, 1,00,000 मुसलमान है और 70,000 चमार हैं, और जो परवेज खान है उसिया सेवराई का वो विधायक, मुसलमान तो वोट नहीं दे रहा। जिस गांव से वो
जिस गांव से वो हैं 32,000 है पूरी पूर्वांचल में सबसे बड़ा गांव, उसिया सेवराई वोट के मामले में 32,000 वोट है वहां का, वो प्रधान है, वो 20,000 तो वहीं से लेके चलेंगे जहां से ओम प्रकाश सिंह का घर है, वहीं वहीं से एक नंबर एक पर 20,000 लड़ जाए फिर मुसलमान। अरे हम बता तो रहे हैं कि हम लोग अगली बार 750 वोट से भाजपा लहर में हारे थे। अरे मोदी जी, एक मोदी जी भी झूठ बोल, सब झूठा है, आप सर्वे उठा कर देख लीजिए, हम लोग 750 वोट से अतुल राय हारे थे सुनीता सिंह से, और इस समय भाजपा लहर नहीं है, हम लोग वहाँ चुनाव नंबर एक पर हैं, सद्दाम फातिमा को ब्राह्मण और छत्री वोट दे रहे हैं। पांचवीं बार सर जी, पांचवीं बार इस बार मुख्यमंत्री, इस बार हम लोग गाजीपुर से 5 सीट कन्फर्म जीतेंगे। जी क्या योगी जी में क्या खराबी है? अरे सर योगी जी में वो खराबी है कि खाली बस बात बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर एक भी काम दिखा दीजिए योगी जी, गैस सिलेंडर सुन लीजिए, गैस सिलेंडर पेट्रोल पंप और डीजल सर इतनी महंगाई 8 बरिस से, सुन लीजिए 8 बरिस से जो मजदूरी थी 350 है, और 8 बरिस में महंगाई दोगुना से भी अधिक, 2% से भी अधिक, और मोदी जी काम कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं। अखिलेश यादव तो बहुत दावा कर रहे हैं बिजली फ्री देने की बात। अरे अखिलेश, जो अपनी बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? मैं राजकुमार चौहान चिरेगा, क्षेत्र तोफापुर गांव के हैं, क्षेत्र पंचायत बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत बीडीसी हैं। मैं बहन जी का बहुत 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 आर्थिक अभिनंदन हूँ, इसलिए कि हमारे जितने समाज में बहन जी चौहान समाज में काम की हैं उतना कहीं काम की नहीं है। चौहान समाज है, थोड़ा मैं समझाऊँ कौन सा समाज है? चौहान मैं जात के नोनिया हूँ, ठीक, उसको चौहान बोलते हैं। चलिए तो आप ये बताइए क्या लग रहा है आपकी बार, क्या समीकरण रहेगा हमारी? ये क्षेत्र है, मैं जानता हूँ हमारे रघुनाथ चौधरी साहब जो कि अजगरा विधानसभा से लड़ रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जो कि हमारे भाई लड़ रहे हैं मौर्या जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे सरकार जो आए मैं इन लोग का अभिनंदन करता हूँ। मैं राजकुमार चौहान चिरेगा, क्षेत्र तोफापुर गांव के हैं, क्षेत्र पंचायत बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत बीडीसी हैं। मैं बहन जी का बहुत 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 आर्थिक अभिनंदन हूँ, इसलिए कि हमारे जितने समाज में बहन जी चौहान समाज में काम की हैं उतना कहीं काम की नहीं है। चौहान समाज है, थोड़ा मैं समझाऊँ कौन सा समाज है? चौहान मैं जात के नोनिया हूँ, ठीक, उसको चौहान बोलते हैं। चलिए तो आप ये बताइए क्या लग रहा है आपकी बार, क्या समीकरण रहेगा? हमारी ये क्षेत्र है, मैं जानता हूँ हमारे रघुनाथ चौधरी साहब जो कि अजगरा विधानसभा से लड़ रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जो कि हमारे भाई लड़ रहे हैं मौर्या जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे सरकार जो आए मैं इन लोग का अभिनंदन करता हूँ।